डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक बसें काफी बेहतर साबित हो रही हैं। डीजल बसों के मुकाबले इलेक्ट्रिक बसों में प्रति किलोमीटर खर्च 17 रुपए कम है। यही नहीं, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से HRTC के धर्मशाला डिपो की आय में 2.88 रुपए से 3 रुपए प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये खुलासा HRTC मंडल कार्यालय धर्मशाला द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के लिए स्थापित चार्जिंग प्वाइंट के विद्युत बोर्ड द्वारा जारी किए गए विद्युत बिल के आकलन के आधार पर किया गया है। जानकारी देते हुए HRTC धर्मशाला के डिविजनल मैनेजर पंकज चड्डा ने बताया कि धर्मशाला HRTC डिपो के तहत संचालित रूटों पर 25 मई से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। HRTC मंडल द्वारा किए गए आकलन में डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक बसें काफी किफायती बनकर सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि डीजल बस का प्रति किलोमीटर खर्च 23.55 रुपए के करीब आता है, जबकि इलेक्ट्रिक बस का प्रति किलोमीटर खर्च 6.52 रुपए के करीब आया है। यानी डीजल बसों के मुकाबले इलेक्ट्रिक बसों में प्रति किलोमीटर खर्च 17 रुपए कम है। अभी हमारे जो 25 मई से जो बसेस हमारे बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल हुई हैं, और बताना चाहूंगा कि वातावरण के तहत तो है ये कि ये पोल्यूशन फ्री बसेस है। साथ में जो जैसे बहुत टाइम से ये बार बार क्वेश्चन आ रहा था, परंतु हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आए थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा कॉस्टिंग है वो, क्योंकि हर आदमी जानने में उत्सुक है कि हमारा जो बिजली का खर्चा कितना आ रहा है इलेक्ट्रिक बसों में, तो बताना चाहूंगा जो हमारी डीजल बस चलती है उसका जो हमारा खर्चा होता है पर किलोमीटर डीजल बस का, डीजल के ऊपर वो तकरीबन 23.55 रुपए के करीब जो हमारा खर्चा होता है 1 किलोमीटर का होता है। जबकि हमारी जो डीजल इलेक्ट्रिक बस उसका पर किलोमीटर का खर्चा जो अभी हमने जो हमारा 2 बिल अभी तक आया है जो आकलन हमने किया उसमें तकरीबन 6.52 रुपए के करीब हमारा वो खर्चा आया है। तो आप देखेंगे डीजल बस का पर किलोमीटर का खर्चा जो हमारा 23.55 रुपए पर किलोमीटर है, जबकि 1 किलोमीटर का इलेक्ट्रिक बस का खर्चा फ्यूल का सिर्फ तो वो 6.52 रुपए है। तो नेट सर मैं बताऊंगा कि 17 रुपए के करीब जो पर किलोमीटर है जो हमारा फ्यूल में इसकी जो बचत है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर हम चलाते हैं। और मैं बता, जैसे पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि बहुत अच्छी बसेज हिमाचल पथ परिवहन निगम जो इस वक्त लोगों को प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिक बसें, जो हमने लोकल रूट में रिप्लेस की है, और इसमें भी जो हमारी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ओवरऑल वैसे तो ये लोकल रूट्स हैं, लोकल रूट्स में हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जो सफ़र करते हैं, फ्री ट्रैवलर्स भी हैं, कॉलेज के बच्चे भी हैं, परंतु फिर भी कहूँगा कि इसमें भी हमारा तकरीबन 2.88 रुपए या कहीं 3 रुपए के करीब जो पर किलोमीटर जो हमारा इनकम है इसमें बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि खूबसूरत सी बसें हैं, अच्छी बसें हैं, टाइमली चल रही है, मेंटेनेंस बहुत कम है, लेट कम चल रही है क्योंकि मेंटेनेंस बहुत कम है, और अभी तक ब्रेकडाउन भी आप देख रहे होंगे जब से आई हैं तकरीबन 2 के करीब या अभी माइनर ब्रेकडाउन, वो भी हमारी बिल्कुल धर्मशाला विसिनिटी में हुई थी। तो नटशल में आगे देखा जाए तो इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है, और जो हमारा फ्यूल एक्सपेंडिचर पर किलोमीटर उसमें भी 17 रुपए के करीब जो इसमें जो फ्यूल में वो कमी खर्चे में कमी आई, 1 घंटे के करीब जो लग रहा है, क्योंकि हम जो गाड़ी को चलाते हैं ये 100% जब फुल चार्ज हो जाती है उसके बाद हम चलाते हैं, और मान लो अगर हम उसको जब खत्म करते हैं तो कोशिश करते हैं 20% के करीब उसमें बैटरी बच गई, तो 20% बैटरी बच गई है तो उसका मतलब 80% के करीब चार्ज होनी है, तो 80% जो बैटरी चार्ज द्वारा से जब उसको फुल पे लेके जाना है तो तकरीबन 1 घंटे के करीब हमारा जो लग रहा है जो कि गाड़ी को फिर से फुल्ली चार्ज करने में लग रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज हिमाचल.केसरी।